हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की ये लुक है इस पैलेट के साथ जो कि है ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब की नाइट ग्लैम पैलेट। और मैंने आज क्रिएट की है ये लुक विद दिस। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूंगी और उसके लिए मैं ले रही हूँ ताजमेली बाय हानिया का ये 24K गोल्ड सीरम। और इसको मैं अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पे और बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करें। इसको मैं पेनिट्रेट करूँगी अपनी स्किन के अंदर और ये बहुत अच्छे से स्किन को प्रेप कर देता है, मॉइस्चराइज कर देता है। आई जस्ट लव दिस। देन आई एम टेकिंग दिस ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब्स आईब्रो पैलेट और इसके साथ मैंने अपनी आईब्रोज जो हैं वो फिल की हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैलेट है, इसे आप अपना आईब्रो शेड बड़े ईजिली बना सकते हैं। देन आई एम टेकिंग दिस अमेजिंग पैलेट और ये है नाइट ग्लैम पैलेट। और इसमें से सबसे पहले मैं न्यूट्रलाइजर लूँगी और उसको मैं अपनी अंडर आईज में अप्लाई करूँगी। डार्क सर्कल्स हैं जहाँ जहाँ और जहाँ मेरी डिसकलरेशन है सब जगह पे अप्लाई कर लूँगी और इजीली वो मेरी स्किन पे ब्लेंड हो जाएंगे। दिस पैलेट इज़ क्रीमी बाय द वे, ये ऑयली स्किन पे भी बहुत अच्छे से काम करती है और ड्राई स्किन पे भी। अब मैं ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ये ब्लेंडर और ये डैम ब्लेंडर है। इसके साथ मैं इसको अच्छे से अपनी स्किन पे सेट कर लूँगी ताकि जो मेरी स्किन है वो एक जैसी लगे। देन आई एम टेकिंग फेस बेस और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, अपने एज अ कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, फेस बेस भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत हैवी नहीं कर रही, बहुत लाइट सा करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको इजीली आप भी कर सकें जो बहुत हैवी मेकअप नहीं करते बट वो ग्लैमरस नज़र आना चाहते हैं। सो मैं इसी में से ले रही हूँ कंटूर कलर और कंटूर शेडो को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है, अपने आईज पे और नोज़ पे, फोरहेड पे, चिक्स पे, चिन पे, मतलब जहाँ पे भी आपको कॉन्टोर करना है वहाँ पे हर जगह पे मैंने ब्रश की हेल्प से उसे अप्लाई कर लिया है। देन आई एम टेकिंग अगेन ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर और इसको मैं सेट कर लूँगी। पहले मैं अपना कंसीलर जो है फेस बेस जो है उसको ब्लेंड करूँगी, देन मैं अपनी कॉन्टोर को ब्लेंड करूँगी। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है, मुझे को बहुत ही ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और मैंने बहुत लाइट सा अप्लाई किया है, बहुत हैवी बेस नहीं अप्लाई की क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो कम फाउंडेशन या कम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या मेकअप यूज़ करते हैं वो सब लोग जो हैं ये लुक कर सकते हैं क्रिएट। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हैवी अप्लाई नहीं किया है, ये पैलेट बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ट्राई कीजिए। अब मैं अपनी कॉन्टोर जो है उसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सारा ब्लेंड कर लूँगी। आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपको ईजी लगता है बट मुझे ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा ईजी लगता है। सो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सारी जो है चीज़ें वो ब्लेंड कर ली हैं, जितना कुछ भी अप्लाई किया। क्रीम जो है बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती है ब्यूटी ब्लेंडर से। सो मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे थोड़ा सा और क्रीम कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ अपनी चिक्स पे, मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ अपनी कॉन्टोर को। सो अगर आपके फेस की नीड नहीं है कॉन्टोर तो आप मत कीजिए, अगर आपके फेस की नीड है तो ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जितनी चीज़ें की जा रही हों या आप देखें वो सब आप अप्लाई करें अपने फेस पे, डिपेंड करता है फेस पे आपकी ज़रूरत है या नहीं है। अब मैं अपनी डबल चिन के लिए इस कॉन्टोर को भी ब्लेंड कर दूंगी, चिन पे जितनी भी मैंने अप्लाई किया हुआ है क्रीम कॉन्टोर को मैं सबको ब्लेंड कर लूँगी। देन आई एम टेकिंग दिस ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का ट्रांसलूसेंट पाउडर और इसको मैं अप्लाई करूँगी, एक्चुअली बेकिंग करूँगी अपनी अंडर आई पे क्योंकि ये क्रीम प्रोडक्ट्स हैं सारी, तो मैं उसको थोड़ा सा बेक करूँगी ताकि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं या मैंने जितनी भी चीज़ें अंडर आई अपने फेस पे अप्लाई किए हैं वो कुछ भी मूव नहीं करे। और बाकी के फेस पे मैं ब्रश की हेल्प से जो है पाउडर अप्लाई करूँगी। अब मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ अपनी बेकिंग को, मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए बेकिंग नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अब आप मेरे फेस पे देख सकते हैं हर चीज़ सेट हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ कॉन्टोर कलर और उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से अपनी आईलेट के ऊपर। क्रीज में अप्लाई किया पहले मैंने, फिर मैंने पूरी आईज पे सेम कलर अप्लाई कर लिया है और मैं ये पूरी आईलेट पे और क्रीज पे एक ही शेडो जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, एक्चुअली एक ही कॉन्टोर कलर इसी पैलेट में से। और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि
कोई भी क्रीम क्रीमी फॉर्म ना रहे, मतलब अच्छे से ब्लेंड हो। आप इसको सेट कर सकते हैं पाउडर के साथ, अगर आपको लगता है कि आपकी क्रीज पड़ती है या कुछ भी, आप पाउडर के साथ ज़रूर सेट कीजिए। क्रीम प्रोडक्ट्स को पाउडर के साथ सेट करना पड़ता है, बट मैंने यहाँ पे नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। देन मैं ले रही हूँ इसी पैलेट्स में से हाइलाइटर, और उसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी आईलिड के ऊपर, थोड़ा सा अपनी आईलिड को लाइट शेड देने के लिए। और ये हाइलाइटर बहुत ही मज़े का है, खूबसूरत सा है, डेली बेसिस पे यूज़ करने के लिए बहुत खूबसूरत है। और आप चाहें तो इसको फिंगर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ब्रश और फिंगर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ब्रश की हेल्प से इतना इंटेंसिव शेड नहीं आता जितना इंटेंस फिंगर से आता है, सो मैंने फ़िलहाल ब्रश की हेल्प से ही इसे अप्लाई किया। देन मैं अगेन ले रही हूँ ब्रो पैलेट, और उसमें से मैं ब्लैक कलर जो है उसको ब्रश की हेल्प से अपनी लैश लाइन के साथ एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी। और फिर मैं उसको एक पेंसिल ब्रश के साथ स्मज आउट कर दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी है तो मुझे उसको स्मज आउट करना पड़ा। आप भी अप्लाई करके स्मज आउट कर सकते हैं, और इस तरह से। देन मैं इसी पैलेट में से वाइट शैडो ले रही हूँ अपने ब्रश की बैक पे, और उसको अप्लाई करूँगी अपनी वाटर लाइन पे। दिस वाइट कलर इज़ सो 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 गुड एंड क्रीमी, और इतना इजीली अप्लाई हो गया, और ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करता आँख के अंदर। मेरी आँख बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, बट दिस कलर इज़ सो गुड। देन आई एम टेकिंग दिस लिप एंड चिक टिंट फ्रॉम नाइट क्लैम पैलेट, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी चिक्स पे, और कार्टून बन जाऊँगी कुछ इस तरह से। नहीं, आपने ऐसे नहीं छोड़ना, आपने अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको जो है ब्लेंड कर देना है। मैंने बहुत ही इसको इजीली ब्लेंड कर लिया है, आप देख सकते हैं बहुत इजी है इसको ब्लेंड करना। मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से किया, आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं, बट ये लिक्विड फॉर्म में नहीं था, क्रीमी फॉर्म में था, तो मुझे इजी लगा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। देन मैं हाइलाइटर ले रही हूँ इसी पैलेट का, और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी चीक्स पे। और पहले मैं फिंगर की हेल्प से इसको सिंपली अप्लाई करूँगी, ढेर सारा आई लव ढेर सारा हाइलाइटर, सो मेरी तसल्ली नहीं होती है अगर थोड़ा हो तो। मैं इसको अपने पूरे फेस पे इस तरह से अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी, और उसकी हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। और फिर मुझे सडनली लगा ये कम हो गया, ओह माय गॉड। तो मैंने लिया है जनाब ब्यूटी वर्ल्ड का ये हाइलाइटर पैलेट, और इसमें से मैंने दो हाइलाइटर जो हैं वो मिक्स करके अप्लाई किए हैं अपनी चिक्स पे। हाइलाइटर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आई एम सो एडिक्टेड। अब मैं ले रही हूँ आई लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, और मस्कारे के लिए मैंने एसेंस का ये मस्कारा अप्लाई किया है, और मैंने लैशेस जो हैं वो लगा ली हैं। लैशेस है मेरी लैश आर्ट की बॉसी, और अब मैं इसी पैलेट में से लिप्स पे लगा रही हूँ लिपस्टिक, और यही लिप एंड चिक टिंट है जिसको मैंने अप्लाई किया है अपनी लिप्स पे। लिप्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए थे, मुझे इजी लगता है, आप भी कर सकते हैं। देन मैं ले रही हूँ ये कॉन्टोर शेड, और इसको मैंने अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से अपने आउटर में। और देन मैं लूँगी ये हाइलाइटर और उसको अप्लाई करूँगी अपने लिप्स के मिड पे, और ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा शेड बन सकता है। आप अपनी पसंद का कोई भी शेड बना सकते हैं। देन आई एम टेकिंग दिस ग्लैम गर्ल बाय मैवी साकिब का सेटिंग स्प्रे स्टेप 2, और उसको मैंने अप्लाई कर लिया अपने पूरे फेस पे, और ये मेरी लुक रेडी है। आई होप आपको पसंद आएगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए।